आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी से मिलकर बना होता है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसके मुख्य जो डिवाइसेज हैं वह है कीबोर्ड, ग्राफिक्स, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग। अब हम नंबर वन डिवाइसेज में पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं या कीज होती है वह कल्टी रूप में व्यवस्थित होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड ट्रेडिशनल कीबोर्ड होते हैं, पारंपरिक कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल लचीले कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और एग्रोनॉमिक कीबोर्ड और पीडीए कीबोर्ड, ये सब कीबोर्ड के टाइप हैं। अब हम पढ़ेंगे कीज के प्रकार, कौन कौन सी कीज होती है। तो ये कीज है, इसमें न्यूमेरिक कीज और डिजिटल की, नेविगेशन कीज और कर्जर कंट्रोल की और फंक्शन की, स्पेशल करेक्टर की और सिंबल की, अल्फाबेटिकल की या टाइपराइटर की, टॉगल की, कॉम्बिनेशन की और कंट्रोल की और एडिटिंग की। न्यूमेरिक कीज 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 होती है। नेविगेशन कीज अप डाउन लेफ्ट राइट एरो बटन होते हैं। फंक्शन कीज F1 to F12 होती है। स्पेशल करेक्टर कीज में रुपीज, डॉलर, एट दी रेट, हैश, इस तरह के साइन आते हैं। अल्फाबेटिकल कीज में A to Z के सभी डिजिट शामिल होते हैं या अल्फाबेट शामिल होते हैं। टॉगल कीज में कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, जो एक बार बटन दबाने के बाद ऑन होते हैं और दूसरी बार बटन दबाने के बाद ऑफ हो जाते हैं। कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट कॉम्बिनेशन कीजे जिन्हें हम किसी भी शॉर्टकट की के साथ यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, तो आल्ट सी, आल्ट एफ, शिफ्ट। तो इस तरह से ये है। एडिटिंग कीज में जो भी एडिटिंग करते हैं, होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, एंड जो की है ये एडिटिंग कीज कहलाती है। नंबर दो डिवाइस पढ़ेंगे वह है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर या इनका उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्क्रीन पर माउस की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं माउस। मॉनिटर पर दिखने वाले पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। यह एक तीर के चिन्ह के समान होता है। माउस सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, वायरलेस या बेतार माउस। माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन जिसे लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, राइट बटन जिसे राइट क्लिक बोलते हैं, स्क्रॉल बटन जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करने या दाएं बाएं करने के काम आता है। पुराने माउसों में कर्जर को मूव करने के लिए माउस के नीचे एक बॉल होती थी, जबकि आजकल बॉल की जगह प्रकाश सेंसर का प्रयोग किया जाता है। आजकल बिना तार वाले यानी कि बेतार या वायरलेस माउस का भी अत्यधिक प्रयोग होता है। अब नंबर दो हम पढ़ेंगे टच पैड। अधिकतर लैपटॉप में टच पैड का प्रयोग किया जाता है। टच पैड की सतह पर उंगली को घुमाकर, गिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पे कर्सर को मूव करते हैं या इधर उधर ले जाते हैं, तथा पैड के नीचे ही लेफ्ट व राइट बटन भी होते हैं। नंबर तीन है ट्रैक पॉइंट। IBM के थिंक पैड में प्राय टच पैड न होकर ट्रैक पॉइंट होता है, जो एक छोटी रबर प्रोजेक्शन कीबोर्ड की बीच
एक एम्बेडी होता है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जोस्टिक की तरह कार्य करता हुआ कर्जर को नियंत्रित करता है। आईबीएम के तीन पेड़ में प्राय टच पेड़ न होकर ट्रैक पॉइंट होता है, जो एक छोटी रबर प्रोजेक्शन कीबोर्ड की कीज के बीच एम्बेडेड होता है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जोस्टिक की तरह कार्य करता हुआ कर्जर को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह एक उपकरण है, जिसमें बॉल नीचे न होकर शीर्ष ऊपर या टॉप में होती है। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थित होती है तथा बॉल को उंगली से घुमाते हैं। आजकल के ट्रैक बॉल में रोलर्स की जरूरत नहीं होती। इसके बाद है जोस्टिक, ये गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। लाइट पेन, यह प्रकाश संवेदी कलम जैसा ही एक उपकरण है, पेन जैसा उपकरण है। तस्वीरों व रेखा चित्रों की एडिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्टाइलस, पीडीए, टच स्क्रीन मोबाइलों, टेबलेट आदि के साथ इसका प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट में एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है, जिसमें स्पेशल पेन के यूज के द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेजेस बना सकते हैं। जैसे सामान्यतः ड्राइंग से डिवाइस बनाते हैं, ये पेन के दबाव के प्रति संवेदनशील होता है। दबाव बढ़ाने पर ब्रश की साइज भी बढ़ती जाती है। नंबर चार है हमारी स्कैनिंग उपकरण। प्रिंटेड पेज ग्राफिक इमेज के डिजिटलीकरण छोटे छोटे पिक्सल में बदलने कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, अथवा इसमें लेजर तकनीक का प्रयोग कर किसी टेक्स्ट, इमेज, चित्र, प्रिंटेड पेज आदि को कंप्यूटर में फीड करने के लिए किया जाता है। स्कैनिंग उपकरण निम्न चार प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, इन्हें स्कैनर भी कहते हैं, ये जेरोक्स मशीन की तरह होते हैं तथा इनके द्वारा किन्हीं भी तस्वीरों व लिखित डेटा को कंप्यूटर में फीड करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज कैप्चरिंग टूल। इमेज कैप्चरिंग टूल में डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा इत्यादि शामिल है। यह भी स्कैनर का ही एक रूप है। इसके बाद है हमारी नंबर चार मिडी डिवाइस, जो इनपुट पॉइंट है। मिडी डिवाइस के अंदर हेडफोन जैसी डिवाइसें आती है। इसके बाद है हमारा करेक्टर व चिन्ह पहचानने वाले उपकरण। करेक्टर व चिन्ह पहचानने वाले उपकरण में MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन और बारकोड शामिल होते हैं। इसके बाद है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस होती है और वेबकैम भी इनपुट डिवाइस होती है। अब हम नया पॉइंट पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पर तस्वीरें बिंदुओं या पिक्सल से मिलकर बनती है। तस्वीर के अपडेट होने या रिफ्रेश होने को रिफ्रेश रेट कहते हैं। सामान्यतः मॉनिटर 15, 17, 19, 20, 21, 24 इंच के होते हैं। मॉनिटर के लिए सामान्यतः एस्पेक्ट रेशियो 4:3 या 16:10 होता है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है तथा रेजोल्यूशन को पिक्सल में मापा जाता है। एक मॉनिटर पूरी स्क्रीन पर कितने पिक्सल डिस्प्ले करता है, यह उसका रेजोल्यूशन होता है। उदाहरण 800x600 और 1024x768 आदि। जिन डॉट से मिलकर पिक्चर बनती है उन्हें पिक्सल कहते हैं। स्क्रीन पर डॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पिच जितने छोटे होंगे अथवा डॉट जितनी अधिक होगी या आसपास होगी, तस्वीर उतनी बढ़िया होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉनिटर।
सीआरटी मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं और अदर मॉनिटर होते हैं। इसके अंदर डेटा प्रोजेक्टर, हाई डेफिनेशन टेलीविजन इत्यादि शामिल होते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर एलसीडी और एलईडी आती है और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसके अंदर पहले के समय के जो बड़े टीवी जैसे आकार के मॉनिटर होते थे उन्हें सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब इसका नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य आउटपुट डिवाइस में पॉइंट नंबर टू, प्रिंटर। लिखित डेटा, फोटोग्राफ, वेब पेजों आदि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट को हार्ड कॉपी करते हैं। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डॉट प्रति इंच डीपीआई में नापा जाता है। प्रिंटर के प्रकार हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर करेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शामिल है और लाइन प्रिंटर शामिल है और अन्य टाइप ऑफ कंप्यूटर में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार हैं। दो टाइप के प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और ये इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडियो आउटपुट उपकरण। ऑडियो आउटपुट उपकरण में स्पीकर और हेडफोन्स आते हैं। फिर इसके बाद है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप के द्वारा कनेक्ट करके पर्दे द्वारा दीवार पर आउटपुट प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इनका उपयोग मीटिंग व कॉन्फ्रेंस के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इन्हें कॉम्बिनेशन या संयोजन डिवाइसें भी कहते हैं। इनमें आउटपुट व इनपुट दोनों प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इसके अंदर फैक्स मशीन शामिल है। किसी भी डॉक्यूमेंट को शून्य और एक में परिवर्तित कर किसी भी जगह भेज या प्राप्त कर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टी फंक्शनल उपकरण। एक से अधिक कार्य करने में ये सक्षम होते हैं। इनके अंदर प्रिंट करने, स्कैन करने, कॉपी या जेरोक्स आदि की सुविधा होती है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में मॉडेम होता है। यह टेलीफोन लाइन से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में व कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। यह एक ऐसा पात्र है जिसमें डेटा व इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी भी मानव मेमोरी के समान होती है। मेमोरी चिप मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम पढ़ते हैं कैश मेमोरी। यह मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ाती है। यह डेटा या प्रोग्राम के उन भागों को रखती है जिन्हें प्रोसेसर को काम में लेना होता है या जिन्हें सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल करना है। इसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। यह उन डेटा निर्देशों का संग्रहण करती है जिन पर वर्तमान समय में कंप्यूटर कार्य कर रहा हो तथा ये मेमोरी बिजली जाने पर डेटा निर्देशों को खो देती है। यह मुख्य तो दो प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। यह उन डेटा निर्देशों को संग्रहण करती है जिन पर वर्तमान समय में कंप्यूटर कार्य कर रहा हो तथा यह मेमोरी बिजली जाने या डेटा निर्देशों को खो देती है। ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज टेम्परेरी मेमोरी, मीन्स
यह मेमोरी अस्थायी या वोलेटाइल या नाशवान प्रकार की मेमोरी, यह रीड एवं राइट दोनों प्रकार के कार्य करती है। रैम में किसी स्थान पर मौजूद डेटा पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। ये दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टेटिक रैम, SDR और DDR। अब हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रोम के नाम से जानते हैं। ये नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है, ये बिजली पर निर्भर नहीं होती है। इसमें उपस्थित डेटा को बदला परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल स्थायी प्रकार की मेमोरी है, इसका संबंध सीधा सीपीयू से नहीं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल स्थायी प्रकार की मेमोरी है, इसका संबंध सीधा सीपीयू से नहीं होता है, बल्कि इनपुट व आउटपुट द्वारा निर्देशित होने पर पहले इसका डेटा मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होता है, फिर सीपीयू द्वारा प्रोसेस होता है। ये मेमोरी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की, कम कीमत, अधिक विश्वसनीय तथा बैकअप के रूप में अधिक डेटा को संग्रहित करने वाली डिस्क है। सेकेंडरी डिवाइसेज में सूचना सेव करने को राइटिंग कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से सूचना प्राप्त करने को रीडिंग कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। इसके अंदर है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव एंड फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट मीडिया कार्ड और सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो हम इनको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में कठोर धातु के चुंबकीय सामग्री से लेपित प्लेटर्स या डिस्क का उपयोग होता है। हार्ड डिस्क में विभिन्न ट्रैक, सेक्टर तथा सिलेंडर के इस्तेमाल द्वारा फाइल स्टोर तथा व्यवस्थित होती है। ट्रैक न दिखाई देने वाली नलिकाओं से रहित कंस्ट्रिक्ट सर्किल्स होते हैं। प्रत्येक ट्रैक वेज आकृति में नजर आने वाले खंडों में बांटे होते हैं, जिन्हें सेक्टर कहते हैं। रीड राइट हेड हार्ड डिस्क के तल से अथवा इसके तल पर स्थित किसी कण से टकराता है तो उसे हेड क्रैश कहते हैं। हार्ड डिस्क मुख्यतः दो प्रकार की होती है, नंबर वन स्टार। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर वार्म डिस्क या सीडी रिकॉर्डेबल डिस्क, इसमें एक ही बार डेटा स्टोर या राइट किया जा सकता है। इस डिस्क डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम तथा डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा या राइट किया जाता है। इसके अलावा होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं। इसमें डिस्क पर कितनी ही बार राइट कर सकते हैं। सीडी के नाम से प्रसिद्ध कॉम्पैक्ट डिस्क सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऑप्टिकल फॉर्मेट है। सीडी ड्राइव सीडी के एक और 650 एमबी से 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। इसके अलावा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। यह सीडी जैसी होती है, परंतु इसकी भंडारण क्षमता 4.7 से 8.7 GB तक होती है। यह एकल अथवा डबल परतों वाली होती है। इनका अधिकतर प्रयोग फिल्मों व ऑडियो फाइलों के लिए होता है। इसके अलावा होता है हाई डेफिनेशन डिस्क या ब्लूरे डिस्क। इनकी क्षमता 50 से 500 GB तक होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। यह USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं, जो छोटे तथा सस्ते होते हैं। कहीं भी लाने व ले जाने में सुविधा होती है। इनको चाबी के छल्ले के साथ लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद है स्मार्ट मीडिया कार्ड। ये पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड जैसे होते हैं, जो कि कैमरों में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा है सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिन्हें SD कार्ड कहते हैं। इनमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता होती है। ये निम्न प्रकार के भी होते हैं, जैसे मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड।